एक टाइम आने वाला है कि ये जो दुकानें बनाकर बैठे हुए ना, लाखों रुपया लगा के, ये बंद हो जाएंगी। दुनिया कर रही है ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रो अप हो रही है। इसमें से रास्ते निकालते हैं कि हम कुछ चीज़ दिखाएंगे, कुछ बेचें, कुछ, वो कामयाब नहीं होते। पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज मैंने एक प्लान किया है कि सोचा है कि कुछ लोग बिज़नेस के बारे में या वो कारोबार जो करना चाह रहे होते हैं वो को क्वेश्चन करते हैं, मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे भी और पूछते हैं कि हमें कुछ इसमें कोई एडवाइस दें। तो क्यों ना हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई अब्रॉड में है, कोई पाकिस्तान में है, बिज़नेस कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी नॉलेज शेयर करें, वो जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना मुझे आप, तो वो फिर मैं आगे जो जिन तक आपका भी मैसेज पहुंच जाए, जो लोग मतलब जो आप उनको नहीं देखते या नहीं जानते, आप मैसेज मुझे करेंगे तो मैं उनको आगे आपका मैसेज बताऊंगा कि कारोबार करने के लिए क्या आपके पास स्किल्स हैं और किस तरह कारोबार करना। तो आज का जो हम जो प्लान है ना वीडियो का, ये यही है कि हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हम हर एक को बिज़नेस में कैसे लेके आए, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो आप जहन में रखें कि जो बिज़नेस है ना वो ही है, और जो जो नौकरियाँ हैं ना जिसे हम सैलरी बेस्ड पर्सन कहते हैं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लोग अपने बिज़नेस में आए, चाहे जॉब कर रहे हैं कहीं पे, नो प्रॉब्लम, आप उनमें से अपना टाइम निकालें और कुछ साइड बिज़नेस करें। तो उसके लिए हम कुछ डिस्कस करते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको कि जो लोगों के पास जो स्किल है, क्या वो क्या जानते हैं अपने बिज़नेस करने के बारे में। कोई कपड़े का काम करना चाह रहा है, जूतियाँ का करना चाह रहा है, जनरल स्टोर डालना चाह रहा है, प्रॉपर्टी में आना चाह रहा है, या मोबाइल एक्सेसरी में। वैसे तो जो दुनिया का निज़ाम है ना वो ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो सारी ऑनलाइन जा हो रही है, मतलब सारी जो है ना सोशल मीडिया, जैसे ये हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे वाईफाई जहाँ पे है वहाँ पे बिजनेस हो रहे हैं, हर बंदा अटैच्ड है इन अपना सोशल मीडिया की तरफ। तो इन चीज़ों को लेते हुए ना आपने ना ई कॉमर्स की तरफ आना है। ई कॉमर्स में जो चीज़ें होती हैं वो सारी यही हैं कि आगे जो जो दौर आ रहा है ना वो सारा यही। हमें तो पाकिस्तान में पता चला जब कोरोना आया कि कोरोना के दिनों में क्या हुआ, कि कोरोना के दिनों में लोग घर बैठ गए। अब मोमेंट क्या आती है कि लोगों को कोई खाने की चीज़ें या पहनने के लिए चीज़ें जो थी ना वो सारी ऑनलाइन घरों में पहुँची, ठीक है। तो उस टाइम पता चला कि उस लॉकडाउन के दौरान कि दुनिया घर बैठ के भी ना चीज़ें सेल कर सकती है और चीज़ें ले सकती है। तो इन चीज़ों को हमें लेट समझ आई है, तो आ तो गई है, अब आपको पता भी चल गया। अब पाकिस्तान में इससे पीछे नहीं रहा कि लोगों को अवेयर नहीं है कि जो ऑनलाइन काम कैसे होता है। तो आप, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि दुनिया का निज़ाम पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है और बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी। एक टाइम आने वाला है कि ये जो दुकानें बना कर बैठे हुए ना लाखों रुपया लगा के, ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनके रेंट अफोर्ड नहीं किए जाएंगे। आप घर में एक अपना सिस्टम बनाएं, एक रूम ले लें, उसमें कुछ चीज़ें रखें, ऑनलाइन को थोड़ा सा चीज़ों को पहले अवेयर करें, तो उसके लिए थोड़ा समझें कि वो काम क्या करना है आप चाह रहे हैं, किस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं। फिर वो प्लेस ढूँढें कि कहाँ पर सेल करनी है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपको दे रही हैं, चेक दे रही हैं कि आप यहाँ पे और काम करें। कुछ प्राइवेटली तौर पर आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं, वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया पर आएं और अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो आगे सेल करें, ठीक है ना। इसे हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं, तो उसको अपना लेबल लगाएं, अपना ब्रांड लॉन्च करें, जिसके पास जितनी वर्थ है उतना वो करें। तो कोई भी चीज़ है जिसमें आपको महारत है, जो आप अच्छी तरीके से सेल कर सकें, इवन कि अगर आपकी दुकान बनी हुई है, आपकी शॉप है, आपका कोई जो चीज़ें आप ट्रेड करते हैं कुछ, वहीं बैठ के उनके लिए अपनी शॉप पे ये इजाफे कर लें कि वहाँ पे ऑनलाइन एक सिस्टम बनाएं और अपनी चीज़ें जो आपके पास फिजिकल कस्टमर आ रहा है उसको तो देनी देनी है, लेकिन जो चीज़ें आप ऑनलाइन सेल करेंगे ना उनके लिए आप एक प्रॉपर एक तरतीब होती है, वो वहीं पर बैठ के आप कर लें। ये नहीं कहते कि हम दुकानें बंद कर दें या शॉप्स बंद कर दें या ऑफिस बंद कर दें, ऐसा नहीं करना। उसमें बैठ के आप उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से आप मतलब कि मैनेज कर लें कि कैसे करना है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस बने हुए हैं, वहाँ से उनसे रब्ता कर लें, वो आपको बना देंगे, नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको बंदे दे दूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम मौजूद है कि वो सारा कुछ कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो 2-3 साल से ग्रो अप हुआ है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको ले गए हैं। अब मैं एक और तरतीब बना रहा हूँ, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बताऊँगा कि उसमें बहुत सारे लोगों की जो है ना मुझे जैसे हम बोलते हैं कि ग्रिप करनी होगी, बहुत सारे लोग मुझे चाहिए होंगे जिनके साथ जिनको मैं कामों पे मैं उनको अपने अपने कुछ चीज़ें दूंगा और वो मेरी चीज़ें सेल करेंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ये इस तरह की तरतीब है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा हम करते हैं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जो भी जिस भी बिज़नेस में अपनी जो उनके बिज़नेस की जो चीज़ें हैं ना वो बताएँ, ताकि हम दुनिया तक इसको पहुँचाएँ। आप स्टूडेंट तो भी बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं, स्टूडेंट भी जो है ना वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइड बिजनेस करें, ऑनलाइन बिज़नेस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप है, दैट्स ऑल, आप बिज़नेस कर सकते हैं। जहाँ मर्जी रहें, जहाँ मर्जी बैठें, जिस मर्जी शहर में हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन उसकी चीज़ें जो है ना वो आपने लाइनअप करनी है। मेरे एक जानने वाले मेरा है, वो बच्चा है, वो माशाल्लाह उसकी एज हो गई है इस टाइम 16-17 साल हो गई, तो वो काफ़ी टाइम से ना जरा 2 सालों से पढ़ाई स्टडी भी कर रहा है और बिज़नेस के बारे में मेरे से एक 2 दफ़ा मुलाकात भी हुई। उसने मुझे कहा कि मुझे बिज़नेस सिखाएं, तो उसको मैंने कहा था कि तुम क्या मतलब चीज़ें किस में आपको शौक लगता है, क्या शौक से मतलब कि किस कौन सी चीज़ें आपको बेहतर लगती हैं करने में, कौन सा बिज़नेस आपको अच्छा लगता है, ट्रेडिंग में क्या कर सकते हो, क्या बेचना चाहते हो, ज्वेलरी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा गारमेंट्स, शूज़, बहुत सारी ये चीज़ें, इनमें कोई किसी में कोई बंदे को होता है यार मैंने ये काम करना, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे वायलेट हो गया, लेदर, ये बहुत सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो उसको मैंने कहा कि आपको इस किसी चीज़ में मैं थोड़ा सा आगे ग्रो अप करो, मुझे बताओ, प्लेटफॉर्म मैं आपको दे दूँगा, तो आप उसको कर सकते हो। तो इस तरह मिलकर हम एक बिज़नेस की चेन चलाते हैं कि लोग बिज़नेस की तरफ आएँ, नौकरियों से जान छूटें, ताकि उनकी जो थोड़ा अर्न अच्छी हो और अपने जो है ना अच्छे तरीके से सर्वाइवल कर सकें। दुनिया में निज़ाम इतना चेंज हो चुका हुआ है कि यंगस्ट अब इस जो यंगस्ट हैं जिसकी ये जो 20 से लेकर 30 साल के तक एज है ना, वो लोग मिलियन बन गए हैं, क्योंकि वो उनको समझ आ गई कि ये गेम सारी क्या है। अब जिन लोगों ने हमारे जो बड़े थे उनकी शॉप्स थी, वो बना के बैठे हुए हैं शॉप्स में, क्या है कि ड्यूटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, सुबह जाएँ और अपना शाम तक वहाँ बैठे रहें, और फिर अपनी जो बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ फैमिली के साथ होती हैं वो भी आप पूरी नहीं कर सकते। ऑनलाइन बिज़नेस में आप ये है कि आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं, आप फ्री हैं, आप अपनी कोई इवेंट्स हैं या कोई और कहीं अपने कोई इन्जॉयमेंट के लिए किसी अदर सिटीज़ में या अदर कंट्री में जाना है तो आप वो भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका बिज़नेस आपके हाथ में है, आप वहीं बैठे उसको रन कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं और अपना अकाउंट्स में आपके पैसे आते हैं और आप उसको ग्रो अप करते हैं। दुनिया कर रही है ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रो अप हो रही है। तो मैं आज का नहीं कर रहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं एक और बड़ा सेटअप करने लगा हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं बताऊँगा आपको आगे। लेकिन जो लोग बिज़नेस जहाँ पर भी कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, या हमारे जो मेरे सुनने वाले वो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में, किधर भी हैं बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें लोगों की हेल्प के लिए कुछ ऐसी एडवाइस मुझे बताएं, कोई कहाँ पे भी होगा वो उसको वो मैसेज पहुंच जाएगा, तो वो इंशाल्लाह वो आपको उससे फ़ायदा होगा, तो लोग देखेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। मैं अपने तौर पर तो जो बता सकता हूँ वो बताऊँगा, जो मेरे पास है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ उसको बताऊँगा। ट्रेडिंग में आपको पता बरकत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारती तो की थी, जॉब जो है ना वो अलग चीज़ है, उससे आप ये कहते हैं वक्ती तौर पर आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन जॉब में आप जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें ना वो नहीं ले सकते, हसरत रह जाती इंसान की। लेकिन बिज़नेस करते हैं तो उसको जब आप थोड़ी मेहनत करते हैं, अपना माइंड को जो लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, तो आपको उससे इतना अच्छा फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ इन्जॉय करते हैं, लाइफ को इन्जॉय करना जीना इसी को कहते हैं ना, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी गुजारना और जीने में फ़र्क है, अब जी ज़िंदगी ऐसे जाती है जब आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा आपका बिज़नेस चल रहा है, आपके पास अच्छी फाइनेंस आ रही है, मतलब आपका पैसा ठीक आ रहा है, तो आप जिस भी कंट्री में जो भी चीज़ आप अर्न कर रहे हैं, जितना भी अर्न कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा मूव दे सकते हैं, अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर अच्छा कर सकते हैं, उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो ड्रेसिंग है, उनके जो घर के जो आपके जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उन पर आप अपनी हेल्थ के ऊपर आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइनेंस यानी कि पैसा आपके पास खुला होता है और आप उसको लगा सकते हैं।
लेकिन जब आपके पास अर्निंग नहीं आ रही, आप तो एक जॉब में तो आपको एक लिमिटेड चीज़ आ रही है, लिमिटेड पैसे मिल रहे हैं, लिमिटेड डॉलर मिल रहे हैं, लिमिटेड पाउंड मिल रहे हैं, जो भी हैं वो एक लिमिटेड है, वो मिल रहे हैं, उससे आप अपने महीने का पूरा आपने बनाया होता है और आपका दिमाग उसे उधर ही चला होता है, एंड ऑफ मंथ आप बिल्कुल भी हैंड टू माउथ हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ें जो है ना बिज़नेस में नहीं है। बिज़नेस में तो एक दिन के अंदर आप एक महीने की सैलरी निकाल सकते हैं। आप करें और इस पर गौर करें कि जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये मैं आपको फ्यूचर की एक बात बता रहा हूँ, आपके जहन में रख लें मेरी आज की वीडियो, आपको डेट भी लिख लें, याद रखें, ठीक 2 साल बाद आप देखेंगे दुनिया का सिस्टम कैसे चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो रही है और आपको मजबूरन इन चीज़ों पर आना पड़ेगा। तो क्यों इतना लेट कर रहे हैं, अभी से आ जाए, सोचना नहीं है, मशवरा करें, हम मिलके बैठ के मशवरा करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह उनकी जो चीज़ें, जो अच्छी अच्छी बातें होंगी, जो अच्छी चीज़ें बिज़नेस के बारे में बताएंगे ना, वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा अगली किसी वीडियो में। तो वो एक सेशन रख लेंगे, तो वो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का मेरा मौजू था यही बिज़नेस के बारे में। तो बिज़नेस करें, बिज़नेस में फ़ायदा है, ट्रेड करने में कोई इतना वो रॉकेट साइंस है ही नहीं है कि आपने कोई चीज़ लेनी है, एग्जांपल के कोई एक घड़ी है, वॉच है, या कोई परफ्यूम है, आपने मार्केट से होलसेल में आपने लिया, वो एग्जांपल के 100 का लिया, तो आपने वो 110 में या 120 में 125 में अपने उस पर जो एक्सपेंस पड़ते हैं वो डालकर निकाल कर 20 या 25 का मार्जिन रख के आपने अगर बेच दिया है, या 30 का मार्जिन रख के बेच दिया, एक प्रिंसिपल अमाउंट रखें, कम मार्जिन में बेचें, ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं, तो आपकी जो ग्रो बढ़ती है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है इससे। तो ये एक बड़ी बारीक बात है, वो मैं आपको फिर इस पर डिस्कस करूँगा कि ये जो चीज़ें होती हैं कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचने से फ़ायदा क्यों होता है। बहुत सारे लोग जो कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचते हैं उनको ग्रो होता देखा है मैंने। तो मेरा अपना भी विज़न ऐसा ही है कि मैं कभी भी बिज़नेस में हूँ, जब भी हूँ कभी कम प्रॉफिट में काम करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट का इतना लालच नहीं होता, मुझे होता कि मेरी चीज़ें ज़्यादा बिक जाएँ और ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें मिल जाएँ और ग्रो होता है आपका बिज़नेस। तो बात करने का मकसद है कि ट्रेडिंग में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आपको करने में दिक्कत होगी। सिंपल एक चीज़ जो आपने ली मार्केट से, अपना उसमें मुनासिब प्रॉफिट मार्जिन रखें, उसको सेल कर दें, लगा दें, टैग लगा दें, उनका वो जो रेट लगा दें, सेलों में लोग लगाते हैं, अपनी चीज़ वो मार्केट से लेके आएँ जो मार्केट में रन अप है, चल रही है, 2 नंबरी वाला काम कभी नहीं करना। जो लोग इसमें से रस्ते निकालते हैं कि हम कुछ चीज़ दिखाएँगे, कुछ बेचें, कुछ, वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि एक हिडन निज़ाम उनको देख रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है, वो सब जानता है वो क्या कर रहे हैं आप, एक एक सेकंड से भी बारीकी की जो उसके उसको पूरी खबर है। तो धोखा देने की कोशिश ना करें, बड़े वही हैं, बने वही हैं जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों का नुकसान हो। आप दुनिया के फ़ायदे के लिए बिज़नेस करें, आप कुछ चीज़ लेके आएँ और उसमें प्लान आपके माइंड में ये हो कि मैंने ये चीज़ जो बेचनी है ना, ये मैंने दुनिया को पहुँचानी है और उसका फ़ायदा करना है, उससे मेरा फ़ायदा खुद ब खुद हो जाएगा। पैसे के लिए काम नहीं करना, पैसा खुद आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं, आपके मन में जेन में लालच होता है, उस लालच से क्या होता है कि इंसान जो है ना वो फ्लैश हो जाता है, कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि जिसको आप चीज़ धोखा दे रहे हैं वो निज़ाम यूनिवर्स उसको भी देख रहा है, उसका भी है, वो आपका नहीं है, वो किसी एक का नहीं है, वो सब का है और सब हम उसी के अंदर हैं। इसलिए जो चीज़ें करनी है उसको इस तरह करें कि आपको लगे कि आप बेहतरी कर रहे हैं, दूसरों की फ़ायदा कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बेस्ट उसको मिलेगा। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगा अगली वीडियो में एक और मौजू लेकर। अब मैसेज करेंगे आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बताएं ताकि मैं वो वाले मैसेज आपके दूसरों तक पहुँचाऊँ। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह वो सारा सेशन रख लेते हैं, वो प्लान कर रहे हैं, आप मुझे कुछ एडवाइस दें ताकि मैं और बेहतरी लेके आऊँ, लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, क्योंकि लोग मुझे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि लोग मुझे सुनते हैं और मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो मेरी इस बात को अगर दुनिया तक पहुँच जाए और दुनिया कारोबार की तरफ आ जाए, बिज़नेस की तरफ आ जाए, तो लोगों के घर अगर वो बड़े बन जाएँ तो मुझे क्या है, मुझे तो अच्छा लगेगा ना, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरे से भी ऊपर चला जाए। बहुत सारे मेरे से मैं तो कुछ भी नहीं होगी, मेरे पास वो असैम अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को देखूँ कि मेरे से ज़्यादा ऊपर है सारे। तो अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।